फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा लिटिल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं अभी भी ना 6:15 हुए हैं और सारे में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो बस जनाने गए हुए हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। बस मैं अपने वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ एंड आज मैं बनाने वाली हूँ समोसे। तो बस समोसे की तैयारी करते हैं, चलो फिर। मैं भी उठ गई हूँ, संजय भी उठ गए हैं, हम लोगों ने अपना काम भी कर लिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी है। बस चाय बन रही है, चाय पीते हैं और दिन को शुरू करते हैं। इधर मेरी चाय बनने लगी, नाइशु सो रही है, सारे घर में अंधेरा हो रहा है और मेरा लड्डू गोपाल भी मस्त पंखे में सो रहे हैं। बोला शब्दी है ना मेरा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइशा लिटिल वर्ल्ड। मैं भी सोते उठ के आया हूँ बाथरूम से, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा ये बाथरूम में सोते हैं। नहीं, इसने बोला मैं सो के उठ के आया हूँ, वो भी बाथरूम से। हाँ, बाथरूम में सो, मैं नहाते नहाते सो जाता हूँ। आई लव स्लीपिंग। और ये कभी नहीं मुझे समझ नहीं देते, निकल जाए मेरी नजरों के सामने से। अपने नित्य नियम करते हुए कान्हा जी को उठाएंगे अब नहा धो के। मुझे लगा मोटे हो गए ऐसे। ये मैंने अपनी नई बेडशीट बिछाई है क्योंकि इस बेडशीट का कपड़ा बहुत अच्छा है। इसका ब्रांड है किंगफिशर वालों की है। हाँ, बेडशीट है ये तकरीबन मुझे 1950 रुपये की पड़ी थी। पूरा एकदम इसका मतलब कहते हैं ना लेंथ और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कपड़ा इतना प्यारा कपड़ा है इसका, दिवाली पे हम लोगों ने लिया था बट इसको बिछाया नहीं था कि दिवाली पे और भी बेडशीट आ गई थी, बट अभी इसको बिछाया। बहुत अच्छा इसका कपड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलो बेडशीट चेंज हो गई है, इसको धुलने डालते हैं। का नाश्ता बना लेते हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद नाइशु के लिए उत्पम बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसका बंद कर दिया था क्योंकि वही रिपीट करते करते ना बच्चे का भी मन भर जाता है। तो मैंने इसका बनाना बंद कर दिया था, कम से कम 10-15 दिन हो गए अब बना रही हूँ मैं इसका उत्पम। ये मैंने गोभी और शिमला मिर्च को बहुत अच्छे से पीस लिया इसके लिए ना। अभी मैं कुछ दिन से इसको दाल हो गया, रोटी हो गई, डॉक्टर ने बोला कि इसको रोटी खिलाओ क्योंकि बॉडी में शुगर जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको पराठा या रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलो पहले मैं दही निकाल लेती हूँ। क्या हुआ? हाँ, गाड़ी अभी निकालेंगे, गाड़ी एक बाहर रखी है आपकी, गाड़ी इधर आ जाओ, इधर आओ माँ के पास। माँ के पास आओ, इधर आओ,
हेलो, कौन सी गाड़ी चाहिए बेटा? एक बाहर भी रख के उसको भी लेके आऊंगी। आ जा भैया गाड़ी, ये लो लो। इसका सिस्टम अच्छा है, इसमें डिग्गी है और अंदर नाइशू के खिलौने हैं। माला बेटा ये आपको पहनना है, ये जेमाई का है। उतारना सीख गई है। चलो और अरे ठीक है खेल लो। सोफे के बीच में देखो कवर हटा दिया सोफे के, वहां घुसेड़ के आई फिर वहां से निकाल के लाई। इसकी गाड़ी है, आप इस वाली गाड़ी को इसलिए लेती है ये तो इस वाली गाड़ी को इसलिए लेती है कि इसमें खिलौने रखे हैं। हाँ। अब उसको नहीं पकड़ रही है। हाँ नहीं तेरी गाड़ी दे दूँ किसी को, दे दूँ आगे बढ़ दी। सब भैया है इसके सब। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा मैंने ले लिया है। मैदा जो कि मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है बट मैंने हाँ एक कटोरी ऐसे ही एवरेज से ले ली है। इसमें थोड़ी अजवाइन है, ऑयल है और नमक मैं इसमें बताना भूल गई बट मैंने नमक भी लिया है। एंड अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन जो कि हथेली से थोड़ी सी क्रश करके डालेंगे। इसका ना मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो थोड़ा सा इसको क्रश करके ही डालें। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा मतलब ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने से समोसे थोड़े से खस्ते बनते हैं। आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने घी का नहीं किया है, मैंने ऑयल का ही किया है। एंड जब तक ये मुट्ठी में इस तरीके से बंधना नहीं लगे आप उतना ऑयल डालें जिसने ये मुट्ठी में अच्छे से बन जाए। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है एंड मैं इसका अच्छे से टाइट डो इसका रेडी करूँगी। ये मैंने एक कप पानी लिया है, अब देखते हैं कितना लगता है पानी इसमें। एंड थोड़ा सा टाइट डो बनाना है जैसा हम पूड़ी का बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही हमको डो तैयार करना है इसका। तो चलो फिर मैं पहले इसका डो रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए इसका डो रेडी हो गया, आप देख सकते हैं कितना टाइट है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं जब तक हम इसकी आलू तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं कुछ 8-10 आलू हैं एंड मैं इनको अच्छे से थोड़ा मोटा मोटा तोड़ लूँगी हाथ से ही। ये मैंने थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना समोसे के अंदर थोड़ा सा आलू मोटा मोटा ही आता है तो अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा मोटा मोटा ही आलू रखेंगे। पहले मैं सारे आलूओं को तोड़ लेती हूँ। ये मैंने सारे आलू फोड़ लिए, अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। ये मेरा जीरा अच्छे से तेल में चटकने लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला, ये मैंने थोड़ा सा मिर्ची डाली इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा हरा मतलब सूखा धनिया पाउडर डाला है, ये मैंने नमक ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से मिला लेंगी। इसका मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बट इसमें मैंने थोड़ा सा आमचून हरा धनिया हरी मिर्च भी इसमें मैंने ऐड की थी। और आप देख सकते हैं मेरा डो अच्छे से
रेस्ट होकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटी छोटी सी बॉल रेडी करूँगी, जो कि मैं उसको प्रॉपर वे में बेलूँगी अच्छे से। तो बस ये इस तरीके से मैं छोटी छोटी बॉल्स तैयार करी हैं। समोसों को चिपकाने के लिए पानी की जरूरत भी पड़ती है, तो यहाँ मैंने पानी भी ले लिया है। अब मैं इनको अच्छे से एक इसकी रोटी टाइप का अच्छे से पतला इसको बेलूँगी, उसको ज़्यादा मोटा नहीं रखूँगी। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके एंड इसके ऑयल वो पानी लगा के इसमें, और इसको हम फोल्ड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब मैं इसमें आलू फिल कर लूँगी अच्छे से, एंड मैं चम्मच लेना भूल गई थी, तो मैं इसमें अब अच्छे से आलू फिल करूँगी और इसको ऊपर से पानी लगा के लॉक कर दूँगी, जिससे मेरा ये अच्छे से लॉक करूँगी, जिससे मेरा समोसा ऑयल में जाते फटे नहीं। तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लॉक कर देती हूँ, और ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे समोसे को फिल कर लूँगी। इसे जोर से ना बोला जाए हमसे, ठीक है? हमारे स्पीकर की आवाज़ कम है। ये आलू बेटा आज अपन बाहर बनाएंगे। हाँ आलू, ये आप देख सकते हैं मैंने अपने कुछ समोसे रेडी करके भी रखे हैं, एंड यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म होने लगा है। अब मैं इसमें समोसे अपने डालना स्टार्ट कर दूँगी, एंड आप देख सकते हैं कि ये समोसे इसमें जाते ही कितने अच्छी तरीके से बबल्स आने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे समोसे मतलब सिकने को तैयार हैं, ऑयल पूरा रेडी हो चुका है। एंड मैं थोड़े समोसे छोटे छोटे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे समोसे खाना बहुत अच्छा लगता है। बड़े वाले समोसे मुझे ना ऐसे लगता है मैंने बाज़ार से मंगाए हैं क्या, तो बट मुझे बाज़ार का समोसे इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे गुजरात में भी समोसे ज़्यादा पसंद नहीं आए यहाँ के, ना ही मुझे इंदौर के समोसे पसंद आए थे। मुझे समोसे सिर्फ आगरा के पसंद आते हैं, तो बस मैंने वही ट्राई किए हैं। मेरे समोसे हो गए रेडी, अब इनको सर्व करूँगी हरी चटनी और कोल्ड ड्रिंक के साथ।